नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब बच्चे आने वाले हैं, उनका फ़ोन आ गया है। वो लखनऊ में एंट्री कर चुके हैं। तब तक अभी हम बैठे हैं थोड़ी देर। जब वो एकदम आ जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, वो जैसे आते हैं फिर तुरंत हम लोग बाहर निकलेंगे 10 मिनट पहले, क्योंकि बारिश हो रही है। उसमें अगर बाहर निकलते हैं तो भीग जाएंगे। बाहर निकलने से कोई फ़ायदा है नहीं, तब तक यहीं पर वेट करते हैं। यहाँ कम से कम बैठने की जगह है, आराम से बैठे हैं। जब वो लोग आएंगे फ़ोन करेंगे तो हम लोग बाहर निकलेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। और वहाँ पर बिटिया की तबीयत भी ख़राब हो गई थी अभी भीगने की वजह से, इसलिए अभी भीगेंगे नहीं, यहीं पे बैठ के इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे एक लोगों का सामान गायब हो गया है, वो इंतज़ार में खड़े हैं। उनका सामान कोई दूसरा लेके चला गया है, पता भी नहीं लग रहा है। वो बेचारे काफ़ी देर से खड़े थे, फिर एक बाद में फिर एक लोग आए, पूछे उनसे, फिर उनका आईडी वगैरह लिए, टिकट वगैरह चेक करवाए हैं। फिर उनको कहे हैं कि कल सामान मिलेगा, तब भी वो अभी कुछ देर वेट कर रहे हैं कि हो सकता है यहीं अगल बगल कहीं हो तो लौट के आ जाए। एक बार ये मेरे हम लोगों के साथ भी हुआ था, वो लेके चला गया था अपनी एक खाली अटैची। हमारी अटैची भी एकदम भरी हुई थी, वो तो लेके चला गया, अपनी खाली सूटकेस छोड़ के चला गया था ट्राली। फिर बाद में हम लोग उठाया तो एकदम हल्का सेम उसी तरीके था। फिर तुरंत पुलिस वालों ने, वहीं एयरपोर्ट के पुलिस वालों ने फ़ोन किया, वो चला भी गया था। फिर उसको बुलाया, वो जल्दी आ भी नहीं रहा था। फिर उसको धमकी उमकी दिया, फिर वो आया, कहा हम घर से ले आएंगे आपको, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही करेंगे। तो वो फिर लेके आया। अभी हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं, पहुँच गए हैं ढाबे पे। यहाँ पे खा लेते हैं कुछ, क्योंकि सुबह 3:30 बजे के हम लोग चले हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। यहाँ पे हमने छोला समोसा मंगाया है और बिटिया ने टिक्की मंगाया है। हम लोग नाश्ता करके फिर आगे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए घाघरा घाट पे पहुँच गए हैं। इस समय नदी का जलस्तर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बारिश भी हुई है। अभी आपको दिखाते हैं, एकदम चारों तरफ जलमग्न है। ये देखिए एकदम उधर देखिए, रेलवे ये देखिए रेलवे पटरी है। एकदम थोड़ा थोड़ा सा एक बित्ता छोड़ के पूरा भरा है चारों तरफ, एकदम घाघरा घाट, एकदम नदी एकदम उफान पे है, एकदम भरी हुई, देखने से डर लग रहा है। थोड़ा सा छोड़ है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बहुत बड़ा पुल है। हम लोग अपने घर चलेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं। वहाँ पहुँच के खाना वगैरह बनाना रहेगा, थके हुए हैं, रात के 3:30 बजे चले हैं। पहुँच गए थे टाइम से, लेकिन वहाँ बैठना पड़ा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने बहराइच की तरफ चल रहे हैं। पूरे रास्ते का व्यू आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। अभी हम घाघरा घाट ही पहुँचे हैं, बस अब पहुँचने वाले हैं। ये हम अपना बहराइच पहुँच आए हैं। बीच का नहीं दिखा पाए, क्योंकि जो है पानी बहुत तेज बरस रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था साफ रास्ते में। फिर हम लोगों ने ऊपर जो टाली बांध रखी थी उसको, फिर उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी थी। आवाज़ बहुत हो रहा था खड़खड़ खड़खड़ की। ये हम यहाँ पहुँच आए हैं। यहाँ पे पंडित जी शंकर भगवान का तिलक वगैरह कर रहे हैं, फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, पूजा। यहाँ पे खड़े खड़े हो गए 10 मिनट मंदिर के सामने। मैंने कहा इसका भी वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए इतना बड़ा मदार का पेड़ लगा है, सफ़ेद फूल मदार का, एकदम बड़े पुराने पेड़ जैसे हो गया है, बहुत ही अच्छा है। उसी की छांव में शंकर भगवान का ये मंदिर बना है। उसमें टीका चंदन फूल वगैरह लगा रहे हैं, भांग धतूरा वगैरह रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इस समय मलमास का महीना चल रहा है, बहुत ही अच्छा शंकर भगवान का महीना भी है। इसमें पूजा वगैरह रोज़ करना चाहिए, जल वगैरह रोज़ चढ़ाना चाहिए। ये देखिए पूरा पूजा कर रहे हैं। हमने कहा लाओ थोड़ी देर इसका भी वीडियो बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, छोटा सा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है यहाँ पे ऊपर जो मदार का पेड़ लग रहा है, ये है एकदम छांव है। फिर हम लोग घर पहुँचे, यहाँ पे बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर हम लोगों ने पिज्ज़ा मंगाया और मशरूम
बच्चों ने सूप मंगाया है एकदम, मुझे तो कोई एकदम नहीं पसंद है, ये पिज्जा है, पिज्जा हम लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। अरे पिज्जा खा लेते हैं। अब इसमें जो मिला है आर्गन वगैरह चिली फ्लेक्स वगैरह वो डाल रहे हैं बच्चे, उसको डाल करके फिर हम लोग खा लेंगे। इतनी थकान लग गई है रास्ते में, इतनी थकान, चलना कुछ नहीं पड़ा लेकिन बैठे बैठे एकदम सारे दिन पूरी थकान लग गई है, एकदम हालत ख़राब हो गई है। ये लोग हम लोग खा चुके, यहाँ पे बिटिया वो मशरूम सूप खाली कर रही है, हमने तो इसको चखा भी नहीं क्योंकि देखने में हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, जो हमको नहीं अच्छा लगता उसको हम खाना भी नहीं पसंद करते हैं। बच्चे हैं, बच्चे अपना सब कुछ खा लेते हैं, उनको पसंद भी आ जाता है, हम नहीं पसंद करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे।